शैलेंद्र, मुंबई में भी लोगों के बीच क्या आज जो तस्वीर दिखाई दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन लगाने के लिए पहुंचे हैं, उसको लेकर चर्चा है क्योंकि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कोरोना से पीड़ित रहा है। देखिए, जाहिर तौर पर वैक्सीन को लेकर बहुत सारी भ्रामक बातें की गई और यही वजह रहा कि लोग कंफ्यूज हुए, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वैक्सीन लगवाकर लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और जनता किसी भी तरह का कोई भ्रम न पाले और लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। तमाम देखिए यहाँ पर लोग जो हैं आज पहुँचे हैं वैक्सीनेशन के लिए। मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर मैं वैक्सीन को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वैक्सीन लगाई है, तो क्या संदेश आप लोगों में, किस तरह आप इसे देखते हैं? नहीं, वैक्सीन लेना बहुत इसेंशियल है, उससे बॉडी को प्रोटेक्शन मिलता है, उसमें कोई भी डेंजर नहीं है। मैं प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगाकर इस संदेश देने की कोशिश की है कि लोग जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं वैक्सीन। I have already taken. I am doctor by profession. I have been practicing 40 years and it is absolutely painless. There is no harm in taking the vaccine. Everybody should take and help the nation. And you know, it is for you, the nation is working. You know, so everybody should come, whatever it is crowded, whatever it is, but everybody is working. All the doctors, the helpers, and even the registrars, everybody is working for the nation. So if you should come forward and take the vaccine. All the best. यहाँ पर देखिए, ये तमाम वो लोग हैं जो आप बन रही है हमारे साथ, आपके पास डॉक्टर आएंगे, लेकिन लोग आए अपने दर्शकों को जरा कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं कि अलग अलग देश के जो प्रमुख हैं उन्होंने कैसे आगे बढ़कर इस वैक्सीन को लगवाया है और संदेश दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शामिल हो गए हैं उन तमाम राष्ट्र प्रमुखों में जिन्होंने संदेश के तौर पर अपनी जनता को ये बताया कि ये वैक्सीन लगाना कितना ज़रूरी है और इस वैक्सीन के क्या फ़ायदे हैं, कैसे कोरोना से ये आपकी रक्षा करती है।